नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस 24 सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी का पीटी एग्जाम हो चुका है। लगातार क्वेरी आती जा रही है, कितना कट ऑफ हो सकता है, कितनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं आपको इसमें। ये सिर्फ एक गेस है, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो सकता है। एक और चीज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 2.0, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.0 चैनल स्टार्ट हो चुका है। प्लीज उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन वाला जरूर ऑन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इस वाले जो मेन चैनल से नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहे हैं। चलिए इसमें कट ऑफ में बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें 17 टोटल कैटेगरी है, अनरिजर्व वाला या जनरल वाला उसका 104 हो सकता है मेरे हिसाब से, जनरल फीमेल 98 हो सकता है। अच्छा एक चीज और है, जो दूसरे स्टेट की महिलाएं हैं वो इसी में आएंगी, ठीक है। EWS का 101 हो सकता है, EWS फीमेल का 97 हो सकता है, SC का 93 हो सकता है, SC फीमेल का हो सकता है 84, ST का हो सकता है 96, EBC का हो सकता है 100, EBC फीमेल का हो सकता है 91, BC का हो सकता है 101, BC फीमेल का हो सकता है 95, BCL का हो सकता है 93। डिसेबल्ड में चार कैटेगरी होती हैं, VI का हो सकता है 89, DD का हो सकता है 81, OH का हो सकता है 95 और MD का हो सकता है 61। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, ये यानी कि फ्रीडम फाइटर वाला कोटा वाला, उसका हो सकता है मेरे हिसाब से 95। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, गेस है, बाकी बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो है इसका ये अनुमान गलत हो सकता है। एक और चीज है, अगर आपके इससे ऊपर आ रहे हैं तो जरूर से जरूर आप मेंस की तैयारी करिए। थोड़ा बहुत इससे दो तीन नंबर नीचे भी आ रहे हैं ना, तब भी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। बहुत चांसेस हैं कि आपका आगे जो जो ये पढ़ाई कर रहे हैं आगे पीछे यूज हो जाएगी, क्योंकि भैया 67 का बीपीएससी का मेन्स है 29 दिसंबर 2022 को, 68 का 8 अप्रैल को है, फिर 69 का भी बीपीएससी ने अनाउंस कर ही दिया है कि एग्जाम पीटी का होगा मई में। बहुत तेज चाल से चल रहा है बीपीएससी आयोग। अगर आप जो है ये यही पूछोगे कि भैया कितना कट ऑफ होगा, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, मुझे मेन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अरे ये क्या क्वेश्चन है, पढ़ाई जारी रखिए, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। हमारा बीपीएससी का 67 का मेंस का ग्रुप चालू हो चुका है, कंप्लीट तैयारी आप उससे कर सकते हैं। 68 का पीटी का भी चालू हो चुका है, उसमें जितना जरूरी है एग्जाम के लिए वो सब कुछ दिया जाएगा। 68 में पीटी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। 67 के बीपीएससी पीटी में हमारे जो पेड ग्रुप्स के स्टूडेंट हैं वो ऑन एन एवरेज 115, 110, 120 ऐसे मार्क्स ला रहे हैं सारे, और ओवरऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 67 बीपीएससी पीटी में करीबन 125 से 28 क्वेश्चंस आए हैं, बल्कि 32 क्वेश्चन तो जो हमने ये क्विज कराई थी एससीएस डेली क्विज की, डायरेक्ट सेम टू सेम आ गए हैं। बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए हैं, टेलीग्राम में आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी करनी है तो जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही आप पढ़ लीजिए, बस उतने में ही हो सकता है। सिर्फ सिलेक्टेड और हाइल्ड मटेरियल दिया जा रहा है बिहार पीसीएस के स्पेसिफिक, उसके अलावा कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी स्पेसिफिक है। इसको पढ़ के आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कई सारे इन्फॉर्मेशन, जीएस, जीके, करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब यहाँ पे मिलेगा। आप पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये तीन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा फ्री क्विज चैनल, लगातार इसमें से कई सारे क्वेश्चन आए।